अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के जो फॉर्म्स हैं उनका करेक्शन विंडो ओपन किया है, और लास्ट डेट जो उसकी रहने वाली है वो 11 मई आपके रहने वाली है। दिन के 3 बजे तक आपको जो है वो अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन करना है तो आप उसको करवा सकते हैं। तो आज मंडे हो, तो आज आप जो है वो जेके बोपी ऑफिस जा सकते हैं, चाहे आप श्रीनगर चले जाएँ, चाहे आप जम्मू चले जाएँ। वहाँ पर जाके आपको फिजिकली जो कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना है वो आप वहाँ पर जाके एडिट कर सकते हैं। इस बीच यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का डाउट है वो ये है कि हम कैसे पता करें कि मुझे करेक्शन विंडो, मतलब मुझे करेक्शन के लिए जाना है या नहीं जाना है, कैसे मैं चेक करूँ मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सही है या नहीं है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपको करेक्शन विंडो में, मतलब करेक्शन करवाने बोपी ऑफिस जाना है या नहीं जाना है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा बोपी वेबसाइट की, बीएससी नर्सिंग की वेबसाइट की, वहां पे जाओगे। उसके बाद यहां पे आपके पास जो भी इस तरह की जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसमें आपको 4-5 ऑप्शन ऊपर दिखेंगे, एक है होम का, एक है लॉगिन, एप्लीकेशन, मेक पेमेंट और अपलोड डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है तीसरा नंबर, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहां पर आपके पास डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। एप्लीकेशन नंबर आपने जब अपना फॉर्म सबमिट किया था उसमें जो आपको वहाँ से प्रिंट आउट दिया गया, आपने अगर खुद से भरा होगा, पीडीएफ जो मिला होगा उसके पहली लाइन में ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, और डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाली थी वो यहाँ पर डालनी है। कैप्चा कोड डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पर जो ही आप क्लिक कर लोगे, यहाँ पर देखिए हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो वेरिफिकेशन कोड मैच नहीं हो रहा, दोबारा से इसको हम डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालते हैं, यहाँ पे आपके पास रेड में लिख कर आ जाएगा क्लिक हियर टू व्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या काम कर लेना, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपने इसमें सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ पे सामने रखा, उसके बाद आपने अपनी 10th की मार्कशीट रखनी है पास, और उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने रखनी है पास, और चेक कर लेनी है यहाँ पे। जैसे ऊपर आप चेक कर लोगे अपना नाम और मार्कशीट पर आपको देख लेनी, नाम मेरा जो है वो यहाँ पे सेम है, फादर का नाम जो है वो मार्कशीट के हिसाब से मिलता है, मदर का नाम जो है जेंडर वहां पे मिलता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो वो मिलती है। उसके बाद यहां पे आपका जो है वो कैटेगरी वो आपने गलत तो नहीं सिलेक्ट की है, एग्जामिनेशन सेंटर आपने गलत तो नहीं डाला है, डोमिसाइल की जो इशू डेट है वो मैंने गलत तो यहां पे नहीं डाली है, रेजिडेंट अपना एड्रेस जो है वो मैंने यहां पे गलत तो नहीं डाला है। ये सब चेक करने के बाद आपने जो है यहां पे फिर 12th की मार्कशीट लेनी है, उसके बाद यहां पे आपको 12th के मार्क्स चेक कर लेनी है, 12th के मार्क्स मैंने कितने लिखे हैं तो वो यहां पे कहीं पे गलत तो नहीं है। उसके बाद कोर्सेज आपको यहां पे देख लेनी है, कोर्सेज जो मैंने रखे हैं वो मैंने गलत तो यहां पे फिलअप नहीं किए हैं। उसके बाद यहां पे नीचे अपना फोटोग्राफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, उसमें यहां पे आपको देख लेना कि फोटोग्राफ पे मैंने नाम और डेट डाला है या नहीं डाला है, थंब इंप्रेशन सिग्नेचर मैंने अपलोड किया है या नहीं किया। उसके बाद नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको देख लेना है, यहाँ पे आपको जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोडेड का यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, डॉक्यूमेंट नेम और अपलोडेड पे यहाँ पे आप देख लेना, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट को यहाँ पे यस दिखा रहा है, उसी तरह से आपने भी चेक कर लेना है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सारे अपलोड दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। इसमें डिसेबिलिटी आपको नहीं दिखा रहा होगा, नो कोई इशू नहीं है, उसका डिप्लोमा पैरामेडिकल का जो है वो यहाँ पे नो दिखा रहा होगा, इसका कोई इशू नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट्स का आपको यहाँ पे देख लेना कि बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड यहाँ पे किए हैं या नहीं किए हैं, या जब आपने रजिस्ट्रेशन अपनी की थी उसमें आपको पता होगा जो मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डाले थे क्या उसमें कहीं पे किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक थी, या कोई डॉक्यूमेंट मेरा पेंडिंग था, कोई डॉक्यूमेंट मैंने वहाँ पे गलत अपलोड किया था। वो सारा कुछ चेक कर लेने के बाद अगर आपको लगे जो एप्लीकेशन फॉर्म मेरा है इस पर जो डिटेल्स हैं वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से सारी डिटेल्स मैच हो रही हैं, डोमिसाइल पर जो एड्रेस है वो मेरे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हिसाब से सारा मैच हो रहा है, इशू डोमिसाइल की डेट या कैटेगरी मैंने सारी ठीक की है, या मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ मैंने करेक्ट किया, कुछ भी यहाँ पर मुझे गलत नहीं है, डॉक्यूमेंट जो मैंने उस टाइम चढ़ाए थे वो मेरे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक चढ़ गए थे, कोई इशू नहीं है, मैंने सही डॉक्यूमेंट वहां पे डाले थे, तो फिर उस कंडीशन में आपको बोपी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, करेक्शन विंडो में जो है वो करेक्ट कुछ भी एडिट करने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे जो यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी डिटेल्स हैं वो मैच नहीं हो रही है आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से, ठीक 10th की मार्कशीट के हिसाब से वो मैच नहीं हो रही है, तो आप काम कीजिए, आप आज चले जाइए बोपी ऑफिस, श्रीनगर चले जाओ, बोपी ऑफिस जम्मू चले जाओ, 11 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो आप आज चले जाओ, कल चले जाओ, परसों चले जाओ, जब आपकी मर्जी हो आप वहाँ पे चले जाओ, और अपना जो कुछ भी उसमें एडिट करना है आप वो वहाँ पे एडिट करवा दीजिए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, इसके बाद फिर से आपको मौका नहीं दिया जाएगा, फिर आपका आगे चल के फॉर्म डेफिशिएंट आ जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप जो है वो हमें नहीं कहना या बोपी ऑफिस में फिर आप क्लेम नहीं कर सकोगे। इसलिए एक बार जिस तरह से मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया उसी तरह से एज इट इज़ आप चेक ले कर लीजिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स सारी A to Z, एक एक डिटेल मेजर माइनर सारी जो है वो आप डिटेल्स उसमें चेक कीजिए, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हिसाब से आप मैच अगर वो हो रही हैं तो कोई इशू नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो मैच नहीं हो रही हैं, गलत हैं कहीं पे, तो आप बोपी ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, उसको आपको ठीक करवाना पड़ेगा।
तो इस तरह से आपका जो करेक्शन विंडो है उसमें उसका जो प्रोसीजर रहने वाला, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, कैसे आपको चेक करना है, मुझे जाना है या नहीं जाना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स आस पास हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किया है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है वो आप बोपी ऑफिस चले जाओ, आप वहाँ पर उनके साथ बात कीजिए, कोई ना कोई सोल्यूशन वहाँ पर निकलेगा। और जिनका फॉर्म सबमिट हुआ है वो अपना फॉर्म चेक करके बोपी ऑफिस चले जाओ अगर कहीं पे आपका मिस्टेक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना कि करेक्शन विंडो ओपन हुआ है तो बोपी ऑफिस है वो, यहाँ पे आप अपना एडिट करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे हम खत्म कर लेंगे। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।